श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफे पर दस्तखत कर छोड़ा देश। मालदीव पहुंचे गोटबाया राजपक्षे। भारत ने श्रीलंका को दिया हर संभव मदद का भरोसा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद के लिए वोटिंग। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए लोगों की भी सुनेंगे समस्याएं। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। चंपावत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीजीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। अब उत्तराखंड में आईएएस अफसरों के बंपर तबादले। देर रात जारी की गई 37 आईएएस अफसरों की तबादला सूची। समीर सिन्हा को दी गई पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 116 नए मरीजों की पहचान, तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में सामने आए 385 नए केस। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सरकार ने किया कंट्रोल रूम का गठन। आपात स्थिति से बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैयार।